हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज है डे थर्टी सेवन डेली फार्मा एमसीक्यू सी डोज सीरीज में जिसमें हम डेली के टेन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद वीकली एंड मंथली रिवीजन सो आज सैटरडे है एंड एवरी सैटरडे हम पूरे वीक में डिस्कस किए गए एम सी को रिवाइज करते हैं तो so, इस वीक हमने टोटल सिक्सटी एम क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड उन्हीं सिक्सटी एम क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में रिवाइज़ करेंगे सो so, ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे मींस प्रीवियस वीडियोस में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप फॉर प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया गया है एक रिवीजन वे में एंड फास्ट फॉरवर्ड वे में हम इन क्वेश्चन को आज यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से तो पहला क्वेश्चन है नक्स वामिका सीड कंटेन्स तो नक्स वामिका सीड जो है वो क्या कंटेन करता है सो इट कंटेन्स यूनिसेलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डाइजीपाम इज सो डाइजीपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है तो so ये आपका होता है नोर डाइजीपाम तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकरेज सो so, किस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डाई रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है तो ये आपका रहता है निफेडिपिन सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस इज ऑप्टेन फ्रॉम सो एसएफ ऑयटीडा कहाँ पे कहाँ से ऑप्टेन होता है जियोग्राफिकल सोर्स है इसका अफगानिस्तान अफगानिस्तान में पाया जाता है एसएफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एल इज़ यूज अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग तो बी एल दैट इज़ ब्रिटिश एंटील्यूसाइड सो ये आपका मर्क्री मेटल पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है तो so इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ रोशल सॉल्ट इज़ रोशल सॉल्ट का फार्मूला क्या रहता है तो द फार्मूला इज़ सी फोर एच फोर ओ सिक्स के एन ए डॉट फोर एच टू ओ तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ एज फोर सो ऑटोक्लेविंग एम्प्यूल्स की एक डाई बाथ में की जाती है किस टेस्टिंग में तो so, ये आपकी होती है लीक टेस्टिंग में सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स वाई तो जो भी एंटी कैंसर सेल्स होते हैं वो कैंसर को किल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय सो डोपामाइन जो है वो आपका माओ ए एंड माओ बी इन दोनों एंजाइम से डिग्रेड होता है तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सो टिंडलाइजेशन प्रोसेस क्या है तो ये बेसिकली स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें हीटिंग से स्टरलाइजेशन की जाती है विदाउट प्रेशर फॉर थ्री डेज हीटिंग इसमें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको याद रखना है तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट दे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे कोर्स साइक्लोप्लेजिया वेन यूज टॉपिकली इन द आई सो इनमें से साइक्लोप्लेजिया कंडीशन कौन सा ड्रग कोर्स करेगा जब उसको टॉपिकली अप्लाई किया जाता है तो ये ड्रग है आपका एट्रोपिन तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल एग्जर्ट एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ सो कैप्टोप्रिल अपना एक्शन अपना एक्शन एग्जर्ट करता है बाय सो so, जो आपकी एंजियोटेंसिन वन टू एंजियोटेंसिन टू कन्वर्जन होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू सो इस एंजाइम को इनहिबिट करके आपका कैप्टोप्रिल जो है वो एक्शन प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम इज़ कॉल्ड लार्जेस्ट पीक या मोस्ट इंटेंस पीक की बात की जाएगी तो so, ये आपकी होती है बेस पीक सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रियोनम इज सो एस्ट्रियोनम क्या है तो so, ये एक मोनोवेक्टम कैटेगरी का ड्रग है तो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू सो बायो अवेलेबिलिटी टर्म क्या रहती है तो so, इसमें आपका वो ड्रग जो कि आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है उसका अमाउंट एंड रेट मेजर करना जो है वह आपका होता है बायो अवेलेबिलिटी दैट इज मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिच इज सिस्टमिक सर्कुलेशन इज बायो अवेलेबिलिटी सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाफ लाइफ्स इज रिक्वायर्ड टू डिस इंटीग्रेट परसेंट ऑफ अ ड्रग सो नाइंटी परसेंट ड्रग को डिसंटीग्रेट करने के लिए कितनी हाफ़ लाइफ्स रिक्वायर्ड रहती हैं तो so इसमें आपको चार हाफ लाइफ जो हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं तो so इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट विद ग्लूकोज सिक्स फॉल्सफेट डी हाइड्रोजिनीस इफ ट्रीटेड विद डेफ विल डेवलप तो एक ऐसा पेशेंट जिसमें ग्लूकोज सिक्स फॉल्सफेड डी हाइड्रोजिनीस जी सिक्स डी एच डेफिशेंसी होगी अगर उसको डेप्सोन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो इट विल डेवलप हेमोलाइटिक आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स रेफर्स टू डॉट्स आपकी ट्यूर क्लासिस के लिए ट्रीटमेंट थेरेपी रहती है दैट मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोन इन अपटेक इज बाय सेलेक्टिव इनहिबिशन सीरोटोनिन अपटेक की तो so ये आपकी होती है बाय फ्लूगजेटिन तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोवे इज यूज टू मेजर रोटोवे जो है वो आपका कैप्सूल्स के वेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है तो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सब लिंगुली यूज ऑर्गेनिक नाइट्रेट तो so, कौन सा ऑर्गेनिक नाइट्रेट सब लिंगुली यूज किया जाता है सो so, इसमें आपका नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसुस डाई नाइट्रेट जो है वो सब लिंगुली यूज किया जाता है मोनोनाइट्रेट जो है वो ओरली यूज होता है सो so, इसमें ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सेन इज मेनली सिंथेसाइज बाय तो जो थ्रोम्बोक्सेन है वो आपका मेनली प्लेटलेट में सिंथेसाइज होता है तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू वर्स्टर प्रोसेस जो है वो आपका कोटिंग टेबलेट्स की कोटिंग के लिए यूज किया जाता है तो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इमलशंस कंटेनिंग मोर देन टू फेजेज और कॉल्ड सो ऐसी इमल्शंस जिसमें दो से ज़्यादा फेजेज होते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टीपल इमर्शंस तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है केलर क्लियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर तो केलर क्लियानी टेस्ट आपका डिजिटलिस्ट के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है तो so, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज तो ह्यूमन बॉडी में आयरन की स्टोरेज फॉर्म कौन सी है तो so, ये आपकी होती है फेरेटिन ऑप्शन ए इज करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनीडेन इज ड्यू टू एक्शन ऑन सो क्लोनीडेन का जो हाइपोटेंसिव एक्शन होता है वो अल्फ़ा एंड एनर्जिक रिसेप्टर्स की वजह से होता है सो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट मेनली अल्फा टू ए रिसेप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटो एसिडोस सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में एंटी डाइबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा है तो so, ये आपका होता है क्रिस्टलाइन इंसुलिन ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्रूट्स ऑफ़ तो ब्लैक पेपर में ड्राइड फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं पाइपर निग्रम के रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू कैलामाइन का रेडिश ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल सीरेंजेस आर मेड ऑफ डिस्पोजेबल सीरेंजेज पोली से बनी होती हैं। तो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन फिजिकल सनस्क्रीन इनमें से कौन सी है तो so, ये आपकी टी आई ओ टू दैट इज टिटेनियम डाइऑक्साइड तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है तो so इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइटोइन इज यूज टू ट्रीट सो फिनाइटोइन जो है वो आपका एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में यूज होता है so इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सील कोटिंग इज अप्लाइड तो सील कोटिंग का फंक्शन क्या है तो स्टील कोटिंग आपकी मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करती है इनटू द टेबलेट कोर तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन स्टीरोडल स्ट्रक्चर सो इनमें से किस विटामिन का स्टीरोडल स्ट्रक्चर होता है तो so, ये आपका रहता है विटामिन डी सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोथिलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड इज तो ब्लड का एंडोथिलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर कौन सा है तो so, ये आपका होता है नाइट्रिक ऑक्साइड तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोटॉक्सिन कंटेन्स तो एर्गोटॉक्सिन क्या कंटेन करता है तो इट कंटेन एर्गोक्रिप्टिन एर्गोक्रिस्टिन एंड एर्गोकॉर्निन तो ये तीनों ही आपके एर्गोटॉक्सिन में आते हैं सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अवर्ज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट्स इज यूजली तो टेबलेट्स की हार्डनेस रेंज जो है वो आपकी तीन से सात के रहती है तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव एस टी थ्री एंटागोनेस्ट यूज एज एंटी एमेटिक एजेंट सो फाइव एस टी थ्री एंटागोनेस्ट कौन सा है जो कि आपका एंटी एमेटिक एजेंट की तरह यूज होता है तो ये आपका ओंडा सेक्ट्रॉन इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोज हाइपर ग्लाइसीमिया एक्सेप्ट इनमें से कौन सा ड्रग हाइपर ग्लाइसीमिया कोज नहीं करेगा सो so ये ड्रग है आपका मिग्लिटोल सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूबिक एसिड इज कॉल्ड सो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पायरूबिक एसिड में मीन्स लाइसिस हो रही है ग्लूकोज की सो ये आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस तो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रीन इज स्वीटर देन सुक्रोस बाय so, सेक्रीन सुक्रोस से कितना स्वीट है तो so, सेक्रीन जो है वो 500 टाइम्स स्वीट रहता है सुक्रोस से तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिली लीटर्स ऑफ यू हंड्रेड इंसुलिन शुड बी यूज टू ऑप्टेन फोर्टी यूनिट्स ऑफ इंसुलिन सो यू हंड्रेड का मीनिंग होता है कि हंड्रेड यूनिट्स जो है वो आपकी हैं पर एम में मीन्स वन एम में सो so सिंपली इसमें फोर्टी यूनिट्स के हमें फाइंड आउट करनी है सो फोर्टी यूनिट्स आपकी हो जाएंगी फोर्टी मल्टीप्लाई वायर वन बाई हंड्रेड सो इसका आंसर आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर एम एल इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉफ़ी सीड कैफीन इज़ प्रेजेंट एज़ अ सॉल्ट ऑफ सो कॉफी सीड में कैफ़ीन जो है वो आपका प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड सो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कोजेज सो अल्सर थेरेपी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हैं वो क्या कंडीशन कोज करते हैं सो so, इसमें आपका मीजो प्रोस्टोल आ जाता है जो आपका डायरिया अबॉर्शन यूट्राइन ब्लीडिंग डिफरेंट कंडीशन जो हैं वो इसमें आती हैं सो so, इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट विच इज थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव इज सो ऐसा ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट जो कि आपका थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव है ये कौन सा रहता है तो so, ये आपका पीओग्लिटाजोन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज तो बीसीजी वैक्सीन किस कैटेगरी की वैक्सीन है सो इट इज़ अ बैक्टीरियल वैक्सीन उसमें भी ये लाइव एटेनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेटाजोलामाइड इज इस, सो तो एसेटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायुरेटिक है तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन बाइन ग्लास फुल इज सो तो वन बाइन ग्लास फुल सिक्सटी एम के इक्विवेलेंट रहता है तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियल क्रेनियल नर्व इज तो फेशियल क्रेनियल नर्व कौन सी होती है तो so जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर सेवन रहती है वह आपकी होती है फेशियल क्रेनियल नर्व नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रेन यूनिट्स आर इन मोनोटोपिन तो मोनोटॉपिन में कितनी नंबर ऑफ आइसोप्रेन यूनिट्स होती हैं तो मोनो में आपकी दो आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप बी जेलेटिन इज एट पी एच सो टाइप बी जेलेटिन कैप्सूल के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कितने पी एच पे रहता है सो so, ये आपका रहता है फोर पॉइंट सेवन पे टाइप ए के लिए रहता है नाइन सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में सिचुएटेड है तो so इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूड अनर्जी मिले फ्लूड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूड एनर्जी मिले इंपैक्ट एंड एट्रीशन तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसिप्ट गिवन बाय अ सेलर टू अ बायर हु हैज़ रिटर्न गुड्स विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस सो सेलर जो है वो बायर को एक रिसिप्ट देता है जिसने गुड्स को रिटर्न किया है ताकि वो उसके एक्सचेंज में अपनी फ्यूचर परचेजेस में सेम अमाउंट का कुछ और सामान जो है वो ले सकता है सो so वो रिसिप्ट आपकी कहलाती है क्रेडिट नोट तो इसमें आपका ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इनमें से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है तो रेथ्रोमाइसिन स्पाइर एंड एजिथ्रोमाइसिन लेकिन वेनकोमाइसिन जो है वो आपका ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है सो इट इज नॉट अ मैक्रोलाइड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल एस सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है तो so, ये आपके होते हैं लाइजोजोम सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एच एलबी वैल्यू ऑफ अ सर्फेक्टेंट बिटवीन सरफेक्टेन टू सिक्स इज यूज एज सो एच एल वी वैल्यू किसी सर्फेक्टेंट की अगर तेरह से सोलह के बीच में है तो so वो आपका यूज किया जाता है एज अ डिटर्जेंट सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट दे नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन सो मॉर्फिन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है मॉर्फिन आपका पापावर सोमनी फेरम में दैट इज़ ओपीएम में प्रेजेंट होता है सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट तो यहाँ पे सिक्सटी क्वेश्चन जो कि हमने इस प्रीवियस वीक में डिस्कस किए थे तो वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो वो करेक्ट आ रहे हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच